नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी अनलॉक्स में स्वागत करती हूँ। तो श्रावणी नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि नवरात्र व्रत के दौरान क्या आप सिंगाड़े खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी और हर किसी को पसंद होते हैं सिंगाड़े सबको, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के अंदर सिंगाड़े खा सकते हैं। सिंगाड़े दो तरीके से होते हैं, एक तो कच्चे सिंगाड़े, एक बॉयल करे हुए सिंगाड़े, और एक ज़्यादा पक जाते हैं जो काले काले से आते हैं वो सिंगाड़े। लेकिन इनके बारे में आपको जानकारी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्रत, नवरात्र व्रत के दौरान, नवरात्र उपवास के दौरान आप सिंगाड़े खा सकते हैं। जी जरूर खा सकते हैं, हर चीज़ में सिंगाड़े की चटनी बनाकर सिंगाड़े का आटा भी यूज़ में लेते हैं, तो आप कच्चे सिंगाड़े क्यों नहीं खा सकते। तो श्रावणी नवरात्र में 2022 में अगर आप व्रत और उपवास रखते हैं तो आप सिंगाड़े खा सकते हैं, वो भी हरे वाले सिंगाड़े, कच्चे सिंगाड़े। और माता रानी को सिंगाड़े बहुत ज़्यादा प्रिय रहते हैं और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।